प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हर साल देखा गया पेपर में अपीयर होते हुए, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो हम लोग यहाँ पे इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं फ्लो ऑफ चैप्टर्स बता देता हूँ कि कैसे होएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक सारे फॉर्मुले को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद चेन रूल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं उसके पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भाई क्या आपको जो डिफरेंट और रूल्स हैं लाइक सम रूल, प्रोडक्ट रूल एंड डिविजन रूल, इसके बारे में पहले से आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं इस सेशन में इन सारे रूल्स के ऊपर डिस्कस नहीं किया हूं और डायरेक्टली मैं चेन रूल के ऊपर डिस्कशन शुरू कराऊं। देन चेन रूल के बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर, राइट। इसके बाद लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि हायर लेवल के प्रॉब्लम्स हैं, हॉर्स लेवल के प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जरूर से उन प्रॉब्लम्स को आप देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी बनती है या इसके जैसे आते रहते हैं। तो लास्ट तक पूरे लेक्चर्स को देखिए, पूरे लेक्चर को समझिए, राइट, और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। काफी कम टाइम में पूरा का पूरा चैप्टर आपको थॉरली रिवाइज हो जाएगा, ये बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, राइट। अच्छा, साथ में क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो देखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जहां पे आपका काफी कुछ जो लेक्चर के बारे में थोड़ा लिखा जाता है, उसमें क्या है कि भाई कि मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है क्लास 12th के से रिलेटेड, जो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ्स का है, उसमें कई सारे चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन करी गई है, वो क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया ताकि आप काफी कम टाइम में काफी जल्दी से सारे के सारे चैप्टर को कवर अप कर पाए, राइट। तो लिंक को बस क्लिक करना है, वहां पे जाइए और सारे चैप्टर्स के ऊपर वर्कआउट कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि सारे वीडियो लेक्चर्स को शुरू से अंत तक जरूर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को शुरू से अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कशन, राइट। अभी मैं कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं और बता रहा हूं, वो डायरेक्टली उस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। हालांकि इस फॉर्मूले को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव भी करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, बट चूंकि मुझे ऑपरेशन सिखाना है और सीखना है कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो अब इन डायरेक्ट फॉर्मूले को आपको याद करना है और देखते हैं ये सारे फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें से देखिए पहला फॉर्मूला y इक्वल टू f ऑफ x, पहली बार देखिए y इक्वल टू f ऑफ x, पता ही है कि y जो फंक्शन ऑफ x होती है, dy by dx को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं जिसको f'x कहते हैं, चाहे आप dy by dx बोल दीजिए चाहे f'x बोल दीजिए, बात यहां पे एक ही है। तो अब कुछ फॉर्मूले देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला देखिए y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप इधर देखेंगे इस टेबल में मैंने इधर लिखा हुआ है फंक्शन के बारे में और इधर उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो पहला फंक्शन जो है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन जीरो होती है, क्योंकि dy क्या होता है, चेंज ही तो होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और dx होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, और dy होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y, राइट। तो जब यहां पे y कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो dy क्या हो गया, सिंपली जीरो हो गया, वैसे ही आप समझे। तो इसका तो y इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो, राइट। तो ये पहला फंक्शन है y इक्वल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। दूसरा इसको कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा, अपने नाम की तरह आपको याद रखना है सारे फॉर्मुले, y इक्वल टू x रेस टू द पावर n और इसका डिफरेंशिएशन होता है n x रेस टू द पावर n माइनस 1, राइट। जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर, तो y इक्वल टू x स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो यहां पे n इक्वल टू 2 प्लेस कीजिएगा, 2x 2 माइनस 1, दैट मीन 2x आ गया। y इक्वल टू x रेस टू द पावर 3 x क्यूब, तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx क्या होगा, x रेस टू 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो बस यहां 3 प्लेस कीजिए, 3x रेस टू द पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2 के इक्वल, इसका मतलब हो गया y इक्वल टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y इक्वल टू x रेस टू द पावर 100, तो n हो गया यहां पे 100, तो 100x रेस टू द पावर 100 माइनस 1 दैट मींस 99, इसका तो y इक्वल टू x रेस टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बताइए, 100x रेस टू द पावर 99, राइट। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई कि y इक्वल टू x रेस टू द पावर n के डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो एक और देख लेते हैं एग्जांपल, y इक्वल टू x रेस टू द पावर माइनस 1 हो जाए, तो बताइए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 1, यदि n माइनस 1 हो जाएगा तो यहां पे n की जगह माइनस 1 प्लेस कीजिएगा और x रेस टू द पावर -1 -1 व्हिच विल गिव x रेस टू द पावर -2, तो इसका मतलब यदि y इक्वल टू x रेस टू द पावर -1 हुआ तो dy बाय dx कितना हो जाएगा,
माइनस वन एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस टू, दैट मीन्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरह से देखिए वाई इक्वल टू रूट एक्स हो जाए, तो रूट एक्स हो जाएगा तो एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा हाफ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन बाई टू, तो यहां पर एन की जगह क्या प्लेस कीजिएगा वन बाई टू, वन बाई टू एक्स रेस्ट टू द पावर वन बाई टू माइनस वन, व्हाट इट विल गिव वन बाई टू एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस वन बाई टू, जिसको आप क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स। ये चीजें आप खुद भी कर सकते हैं, तो मैंने कई एप्लीकेशन आपको बता दिया कि कैसे इस डिफ्रेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है, राइट। अब अगला देखिए, अब कुछ जो है मैं फंक्शन जो लिख रखा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख रखा हूं, जैसे देखिए साइन एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स है तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स है तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, y इक्वल टू कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल आपको अपने नाम की तरह याद होना चाहिए, तभी जाके आप डिफरेंशिएशन को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सारे फॉर्मूले को डिराइव किया जा सकता है यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पे हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, और फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर भी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं हम लोग यहां पे इस सेशन में, और इस चैप्टर के ऊपर मेनली और मेनली बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, राइट। तो डिफ्रेंशिएशन का जो ऑपरेशन है उसके ऊपर हमारी मास्टरी होने जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, राइट। तो अभी तक मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं, अब आगे और कुछ फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर मैं डिफरेंशिएशन का और भी फॉर्मूले हैं जिसको मैं बताने जा रहा हूं। तो इस सेशन में मेनली मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को लिख रहा हूं एक जगह पे, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल एंड बिल्कुल ये सारे फॉर्मूले अपने नाम की तरह छप जाए और याद हो जाए, राइट। अब हम लोग जो और कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि कई फॉर्मूले तो अभी देख ही रखा है हमने, अब कुछ और भी हैं उसको ऊपर बात करते हैं। देखिए अब आप, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई यहां पे कहने के लिए इंग्लिश का अल्फाबेट है, बट मैथमेटिक्स के हिसाब से ई एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7 करके कुछ होती है, तो दिस वन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही रह जाती है, मतलब ई रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू द पावर एक्स। अब देखिए ए रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ए रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए रेस्ट टू द पावर एक्स एल एन ए या लॉग ए, एल एन का मतलब होता है बेस ई होना, ln a या log base e a। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे a greater than 0 चाहिए, definitely a एक पॉजिटिव नंबर चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है, तभी जा करके ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है यहां पे डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x के इक्वल, x डेफिनेटली पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ln x का जहां पे मैं ln हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पे log बेस e x है, इस बात को ध्यान में रखना है, ln x का मतलब होता है log बेस e x, राइट। अदरवाइज जनरल मैं लॉग लिख देता हूं लॉग एक्स का, तो उसका मतलब ही वहां पे बेस ई के साथ ही काम हो रहा है। अब जैसे लॉग बेस टू एक्स, बेस वहां पे टू है तो बेस वहां लिखा रहेगा, यदि अदर देन बेस ई हो तो जैसे मान लो बेस टेन है तो लॉग टेन एक्स लिखा रहेगा, बेस यहां पे टेन है, राइट। यदि लॉग एक्स केवल लिखा या एल एन एक्स लिखा है तो अंडरस्टूड है कि वहां पे बेस ई है। तो देखिए यहां पे ln x, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1 by x और x डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 चाहिए, log बेस a x, देखिए y करो log बेस a x, बेस यहां पे a है e नहीं है, अब हो सकता है 2 हो 3 हो 4 हो, और a की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है, x ग्रेटर देन 0 चाहिए और a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के यहां पे डिफाइन हो पाएगा। तो log y करो log बेस a x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 by x, ये देखिए log बेस ए ई, मतलब लॉग बेस ए एक्स के साथ लॉग बेस ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स लॉग बेस ए ई, ये होता है डिफरेंशिएशन। ये ध्यान में रखना है कि एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट ए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अगला देखिए, अब कुछ फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं जिसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर से एक्स जो होना चाहिए माइनस 1 से 1 होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से
वन तक x की वैल्यू होनी चाहिए। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे भी x माइनस वन से वन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और x जो है रियल नंबर को बिलोंग करे, x यहां पे रियल नंबर को बिलोंग करे, काफी काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने यहां माइनस वन आएगा, ध्यान रखें। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर, राइट। तो यहां पे मैंने माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया है, पहले लिखा हुआ नहीं था, तो इसको ध्यान में रखना है, यह ना सोचना कि मैंने यहां पे कुछ आपको गलत बताया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एंड x बिलोंग्स टू R, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूले और भी मैंने आपको बताया डिफरेंशिएशन के, कुछ एक और फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर मैं बात करता हूं यहां पे डिफरेंशिएशन का, राइट। अब हम लोग यहां पे दो और फॉर्मूले हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड ही हैं, जिसका डिफरेंशिएशन भी देख लेते हैं। और ये दो फॉर्मूले जो हैं आपके sec इनवर्स x, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन मॉड x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वन, और मॉड x की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन वन होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन वन होना चाहिए या x लेस देन माइनस वन होना चाहिए, इसका मतलब ये है। तो मैं इसको लिख भी देता हूं यहाँ पे, इसका मतलब इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि x लेस देन माइनस वन एंड x ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू डेफिनेटली माइनस वन और वन के बीच में लाइन ना करे, मेन बात यहाँ पर ये है, राइट। और x ना तो माइनस वन के इक्वल होना चाहिए और ना x वन के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए cosec इनवर्स x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ x रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वन, और फिर से मॉड ऑफ x ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो ये इन फॉर्मूले को एक तो याद रखना है, जितने फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, मेरे ख्याल से कई फॉर्मूले हैं, और इसको आपको याद रखने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। इनको डिराइव कैसे करना है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है, जिसके थ्रू डेरिवेशन इसकी हो जाती है, कोई बड़ी बात उसमें नहीं है, और बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज्यादा प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आएगी, राइट। एक तो ये बात है, दूसरी बात क्या है कि कई दफे इनवर्स फंक्शन को हम लोग लिखते हैं आर्क में, दैट मींस यहां पे देखिए y इक्वल टू या तो sec इनवर्स x लिखा जाता है या आर्क sec x ऐसे लिखा जाता है, राइट। आर्क sec x ऐसे भी लिखा जाता है यहां पे, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जैसे यहां पे इस तरह से लिख दिया गया y cos sec इनवर्स x लिखिए या आर्क sec x लिखिए, y cos sin इनवर्स x लिख दीजिए या आर्क sin x लिख दीजिए, बात एक ही है। जैसे आर्क sin x का देगा डिफरेंशिएशन बताइए, तो इट विल वंस अगेन वही होगा sin इनवर्स x का होगा जो 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से कई बेसिक फॉर्मूले हमने अब तक डिस्कस कर लिए हैं और फंडामेंटल हैं ये काफी, और आपको अपने नाम की तरह याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस कर करके आपने दिमाग में इन फॉर्मूले को एक्यूरेट तरीके से बैठा लीजिए ताकि कभी कोई गलती ना हो। अच्छा, अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो ये कि भाई कि अब डिफरेंशिएशन के कई सारे रूल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन का यहाँ पे आपका एक होता है सम रूल, फिर प्रोडक्ट रूल, फिर इसके बाद आपका डिवीजन रूल, एंड देन चेन रूल, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से ही चेन रूल डिराइव होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं डिफरेंशिएशन के, तो उसके ऊपर वन बाय वन करके बात करेंगे, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काफी काफी एक इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। इस रूल को करने के बाद काफी अच्छे अच्छे जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होते हैं बड़े आसानी से किया जा सकता है, बट उस रूल को समझने के लिए मैं उसी को डिफरेंशिएट करूंगा पहले मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से। मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से करने के बाद उसी का जो एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब उसी को लेकर के हम लोग वही मेथड ही कन्वर्ट कर जाती है आपकी बेसिकली चेन रूल में। तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हमारी कि चेन रूल हमारे कैसे क्या है बेसिकली, राइट। तो देखिए यहाँ पे y equal to sin x square plus 5, और इसे मुझे differentiate करना है y equal to sin x square plus 5। मैं इसको कहता हूं कि बीमार differentiation। ये वैसी ही बात है जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट के मैदान में वहां पे कोई फील्डर जो है बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या किया जाता है, उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी और फील्डर से, वही वाली बात है। उसी तरीके से यहां पे आप कुछ ऐसी बात सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ ऐसा चीज यहां पे ले आइए सब्स्टिट्यूट करके, जिससे कि वो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट कर जाए। अब सोचिए
स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है कि उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन में लाना चाहते हैं तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को टी ले लेता हूं। समझिए बात को, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को मैंने टी ले लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा वो ये हुआ कि वाई इक्वल टू साइन टी हो गया। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि कॉस टी होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के थ्रू थोड़ा आसान काम हो गया कि भाई कि जो फॉर्मूले हमारे को पता है उसमें ये कन्वर्ट कर गया, राइट। तो यही काम करना है कि लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो वाई इक्वल टू साइन टी आ गया। बट इससे dy by dt आएगा, dy by dx तो आएगा ही नहीं निकालना, जबकि dy by dx है। डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे dy by dx निकालना है। तो सोचेंगे कैसे, तो dy by dt आ जाएगा लेकिन dy by dx नहीं आएगा, तो मैं dy by dx को लिख सकता हूं dy by dt into dt by dx। यही एक्चुअली चेन रूल है, dy by dt into dt by dx। बात वही है, यही dy by dx के इक्वल हो जाएगा। जैसे 7 by 2 into 2 by 5 it will be equal to 7 by 5, वही वाली बात यहां पे है। समझिए बात को। अब देखिए dy by dt भी आ जाएगा मेरे पास, dt by dx भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि t मैंने ज़ूम कर रखा है, लेट कर रखा है x square plus 5, तो इससे मेरे को इसको मैं डिफरेंशिएट करके t को x के रिस्पेक्ट में जब करूंगा तो मेरे पास dt by dx 2x के इक्वल आ जाएगा। क्यों? देखिए t इक्वल x square plus 5 है, dt by dx निकालना है तो पहले x square को डिफरेंशिएट कीजिएगा। ऑब्वियस बात है सम रूल लगेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो बार बार इतना डिटेल करने की जरूरत आपको अब तो हैबिट हो गई होगी। तो x square का डिफरेंशिएशन 2x plus अकेला 5 कैसा क्वांटिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो व्हाट इज द dt by dx इट विल बी 2x, तो dt by dx की जगह आपका 2x आ जाएगा। अब मेरे को dy by dt निकालना है, तो y = sin t है तो dy by dt विल बी cos t, y = sin t है तो sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos t, जैसे sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x, बिल्कुल वही वाली बात है। तो dy by dt की जगह cos t आ गया, dt by dx की जगह 2x आ गया, हो गया dy by dx आ गया आपके पास। लेकिन t यहां पे, तो t जो आपने एज्यूम किया है लेट किया x square plus 5, तो t की जगह पे x square plus 5 प्लेस कर दिया, तो फाइनली इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी cos x square plus 5 into 2x। ये नहीं करना कि 2x को x square plus 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि x square plus 5 cos के साथ है। तो इसका फाइनली आप ऐसे लिख लीजिए 2x cos x square plus 5, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। समझिए बात को। अब वो ये तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसी का एक्सटेंशन कैसे चेन रूल में है। मैं इतना काम नहीं करना चाहता हूं, अब मैं जल्दी से वर्कआउट करना चाहता हूं मेंटली, तो उसी का नाम हम लोग चेन रूल के टर्म में दे देते हैं। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं यही इनफैक्ट चेन रूल है, इसी को मेंटल वर्किंग करेंगे। कैसे? देखिए अब आप वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, अब मुझे dy by dx निकालना है, तो dy by dx हो गया एक तरह से d of dx of sin x square plus 5। अब ध्यान से समझिए बात को, x square plus 5 अपने माइंड में x ले लीजिए, जस्ट मैं कुछ जैसे वहां t लिया था जस्ट x ले लीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका sin x square plus 5 का डिफरेंशिएशन cos of x square plus 5 हो गया ही। अब x square plus 5 को डिफरेंशिएट कीजिए, किसको डिफरेंशिएट कीजिए x square plus 5 को, जो आपने जो इसके अंदर है साइन के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बोला ना वही यहां पे लिखा गया, यहां पे एक्चुअली t एज्यूम कर लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, वही मैंने भी कराया, वही चीज करना है आपको जो मैंने अभी करा इसमें मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन में इतना लिख के वही मैं मेंटल वर्किंग कर रहा हूं। यही बेसिकली पूरा एक तरह से चेन रूल का पार्ट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। फिर से आप एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, y plus sin x square plus 5 है, dy by dx निकालना है मुझे, तो sin of x square plus 5 है, तो पहले sin x समझ लीजिए इसको, तो sin x का डिफरेंस cos x, तो cos x square plus 5, अब x square plus 5 को डिफरेंशिएट कीजिए और उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि देख रहे हैं आप यहां पे, तो x square plus 5 का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो गया cos x square plus 5 into 2x, आ गया, बहुत ही सिंपल, राइट। तो इस तरीके से यहां पे इसे हम लोग चेन रूल के थ्रू करेंगे काम, यही दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। अब आगे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे ताकि आपको ये एक हैबिट पड़ जाए,
और इसके बाद घर पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी कीजिए, कोई और बुक है तो उससे आप कीजिए। जो भी आपके क्लास 11 12th लेवल पे आपको रेफर करा गया उस बुक को आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आगे और चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। अब हम लोग चेन रूल से रिलेटेड ही कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें और भी बेटर वे में इसके ऊपर कमांड हो जाए। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू cos ऑफ sin x और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, dy / dx निकालना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, cos ऑफ sin x, जस्ट अपने माइंड में sin x को x ले लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसका मतलब माइनस ऑफ sin ऑफ sin x। तो यही कर दिया, cos sin x, cos x सोचिए, sin x नहीं सोचिए, x सोच लीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इसका मतलब माइनस ऑफ sin ऑफ sin x, ये लिख दीजिए। अब sin x को डिफरेंशिएट कीजिए जो cos के अंदर है, चेन बन रहा है ना लिंक, तो sin x को डिफरेंशिएट कीजिए। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x हो गया। फिर sin x के अंदर कौन है, x, तो x को डिफरेंशिएट कीजिए लास्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाइड हो गया। तो दैट वे इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया y = cos ऑफ sin x का, ये आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस ऑफ sin, वही दोबारा लिख दिया मैं, क्योंकि 1 हटा दिया गया, 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो यही तो रह जाएगा, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, y = sin ऑफ ax + b, जस्ट आप समझिए कि ax + b आपके माइंड में x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका तो इसका cos ऑफ ax + b। अब आप ax + b को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ax + b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो sin के अंदर ax + b तो उसे डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे लिख दिया, समझे बात को। sin ऑफ ax + b है तो जस्ट ax + b को अपने माइंड में x ले लीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos of ax plus b आ गया। अब ax plus b को differentiate कीजिएगा, तो ax plus b को differentiate कर रहे हैं हम लोग। ax plus b को जब differentiate करेंगे तो a बाहर आएगा, इसमें तो आप क्या लगाएंगे बताइए, याद कीजिए sum rule, ax को अलग से differentiate करेंगे plus b को differentiate करेंगे, mentally कीजिए। तो a को बाहर कीजिएगा और x का x के respect differentiation 1, क्योंकि a constant है यहाँ पे, तो ax का differentiation a आ गया plus b अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इसका तो इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली कितनी हो गई, a हो गई। तो इस तरह से y = sin of ax + b का डिफरेंशिएशन cos of ax + b * a, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो इस तरीके से आपके सामने हमने चेन रूल का यूज करके फिर से दो और डिफरेंशिएशन करा, और अभी और देखते हैं कुछ ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से कमांड हो जाए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, डिफरेंशिएशन का अब इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं चेन रूल के कुछ और एग्जांपल्स और कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा एक सजेशन देना चाहता हूं कि यदि आपने डिफरेंशिएशन के पिछले सेशन को नहीं देखा है तो डेफिनेटली उसे आप देखिए, तभी जाकर के चेन रूल का जो भी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा, राइट। तो जरूर जरूर से सारे पिछले सेशन के जितने भी डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स हैं वो जरूर से आप देखें। तो शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रॉब्लम के ऊपर, राइट। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं और एक और प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे चेन रूल से रिलेटेड ही है। देखिए अब आप y = sec tan root x है, ऐसे डिफरेंशिएट करना है, सोचिए कैसे करेंगे, वही चेन रूल वाली बात है। जस्ट आप अपने माइंड में इसको x लेके काम कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं dy by dx निकालना है, तो dy by dx equal to d of dx of this one, sec का, sec x, समझिए बात को, x माइंड में रखना है जस्ट, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, तो sec of tan root x, क्योंकि ये है x नहीं जस्ट assumption है, तो sec tan root x into tan root x, क्लियर है बात को। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले को, जो आपने माइंड में x ले रखा था, तो tan ऑफ रूट x को डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, पहला स्टेप्स, पहली बात हो गई। अब देखिए इसको और इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, tan रूट x को, रूट x को फिर से अपने माइंड में x ले लीजिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर रूट x। अब किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, रूट x को, चेन बन रहा है, लिंक बन रही है, इसलिए इसका चेन रूल नाम है,
तो रूट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, आपको पता ही है बात, तो 1/2 रूट एक्स, बाकी सब वैसे ही आ जाएगा, ये पूरी जो आपने लिख रखी है वैसे ही लिख देंगे इनटू 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किस रूल से करेंगे, किस फॉर्मूले से, एक्स रेस टू द पावर एन से, जिसका होता है एन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, एन के लिए यहां पर क्या है हाफ है, एक्स रेस टू द पावर हाफ, तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। वो करके खुद करके वर्कआउट करना, क्योंकि अब तो ये बहुत ही बेसिक बात हो गई, आप कर लिए होंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो ये बात हो गई आपकी, आ गया आपके सामने यही डीवाई बाई डीएक्स इसका आ गया, इस फंक्शन का, राइट। तो चेन रूल से हमने एक और एग्जांपल्स को, एक और प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, और आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। अब यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि चेन रूल से भी रिलेटेड है और डिवीजन रूल से भी रिलेटेड है, राइट। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसको डिफरेंशिएट करना, मतलब इसका dy बाय dx निकालना है। तो देखिए यहां पे दो फंक्शन आपस में डिवीजन में रहे, ये हो गया आपका न्यूमरेटर वाला फंक्शन, ये हो गया डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, बट एंड ऑब्वियस है, तो चेन रूल के पहले हम लोग डिवीजन रूल लगाएंगे, तो dy बाय dx निकालने जा रहे हैं, तो dy बाय dx, अब डिवीजन रूल याद कीजिए, सबसे पहले नीचे वाले फंक्शन को स्क्वायर करते हैं, मतलब डिनोमिनेटर को, तो cos स्क्वायर cx plus d। अब देखिए अगला क्या है, ऊपर कैसे करेंगे, तो नीचे वाले फंक्शन को बाहर रखेंगे, मतलब cos ऑफ cx plus d को बाहर रखा, और sin ऑफ ax plus b को डिफरेंशिएट किया, मतलब न्यूमिनेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, राइट। बीच में क्या आता sin, बताइए डिवीजन रूल में, माइनस, फिर इसके बाद sin ऑफ ax plus b जो न्यूमिनेटर में वो बाहर रहेगा, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है cos ऑफ cx plus d उसको डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया, डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बताइए, चेन रूल। तो मैं इसको अलग से डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अब बाद में उसको आप खुद प्लेस कर लेना, राइट। तो देखिए अब साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद कीजिए कॉस एक्स, जस्ट ये अपने माइंड में एक्स सोचिए, बार बार मैं कहूं चेन रूल के लिए इट विल बी द एक्स बेसिकली, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब आप ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ए एक्स प्लस बी को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसके लिए कौन सा रूल लगाइएगा, सम रूल, ए एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेंगे प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ए एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ऐसा क्वांटिटी है कॉन्स्टेंट वो बाहर आ जाएगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन प्लस बी का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका मतलब एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, तो ये लिख दिया गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, बहुत आसान। अब अगला देखिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को, किसको डिफरेंशिएट कीजिएगा कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को। अब कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी को कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, देखिए यहां पे इसको भी फिर से अपने माइंड में क्या रखेगा एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी, तो माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी एंड देन डिफरेंशिएट सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट कीजिएगा फिर से सम रूल वाली बात, तो सी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंस सी, सी बार आएगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन प्लस डी का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी। अब इसकी डिफरेंशिएशन ये है, इसकी डिफरेंशिएशन ये आप प्लेस कर दीजिए, सिंपलीफाई कर लेना जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज जैसे है वैसे लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स अभी तक रखा है जो कि चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बाकी आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है उससे और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी भी ये बातें इस सेशन मैंने करा हुआ है ये तभी आपको और समझ में आएगा जो जितने पिछले सेशन के डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको डेफिनेटली जरूर करो, आप डिफरेंशिएशन के जितने भी लेक्चर्स हैं उसको आप जरूर से उसे जब आप देख लेंगे तब आपको ये प्रॉपरली समझ में आएगा, राइट। वो प्लेलिस्ट में क्लास 12 का जो डिफरेंशिएशन है उसमें आप देखिए, राइट, शुरू से आप देखिए, शुरुआत से जब देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन तो बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसे ही बैठ जाएगा जो बेसिक ऑपरेशन है आपके, प्लस माइनस आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो आपने क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ में सीख रखा, तो वैसे ही आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, राइट। तो बढ़ते हैं आगे और कुछ और टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करते हैं ताकि और भी आपका
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, ताकि उसके ऊपर और अच्छा कमांड आपका हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि अब तक हमने चेन रूल के ऊपर बात कर लिया है। अब हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। ये हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होएगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो अलग अलग टाइप ऑफ फंक्शन लिख रखा है। देखिए, एक y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक इस तरह का फंक्शन है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y एक तरफ है और x कंप्लीटली एक तरफ है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, y इक्वल टू ई रेस टू द पावर एक्स ले लीजिए। तो ऐसे फंक्शन को जिसमें कि जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कंप्लीटली अलग अलग है, मतलब एक LHS में है, दूसरा RHS में है, तो हम लोग ऐसे फंक्शन को बोल देते हैं, सिंपल सी बात है, एक्सप्लिसिट फंक्शन, राइट। लेकिन वहीं पे दूसरे तरह का फंक्शन एक ऐसा होता है जिसमें कि मिक्सिंग हो जाती है, और ये भी होता है कि आप अलग अलग कर तो सकते हैं, बट हो सकता है कि इतना आसान ना हो जाता है वैसे, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों एक तरह से मिक्स हो गया है, मतलब हम लोग ये नहीं कर सकते कि y एक तरफ है और x एक तरफ है, ऐसा नहीं है। कर सकते हो आप इसको एक तरफ कि y एक तरफ है, x एक तरफ है, राइट। लेकिन इसकी कभी जरूरत पड़ भी जाती है और कभी जरूरत नहीं भी पड़ती है। तो जब भी ऐसा फंक्शन आपको दिख जाए कि y एंड x की मिक्सिंग है, मतलब एक तरह से जो आपका y है वो LHS में नहीं है और x कंप्लीटली RHS में नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। बात यहां पे है, तो मैंने काफी बेसिक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया कि आखिर एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन होती क्या है। तो नॉर्मली क्या लिखते हैं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल दिया जाता है, और f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू 0, इट विल बी द बेसिकली इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे कहा जाता है, राइट। अब हमारा पर्पस क्या है, अभी तक तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन का अभी तक तो डेरिवेटिव ले ही रहे थे, जैसे y इक्वल टू साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। लेकिन अब इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो उस केस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे उसको भी सीख लेते हैं हम लोग, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, वैसा ही काम करेंगे, वही फॉर्मूले लगेंगे जो पीछे लग रहे थे, बट कुछ प्रोसीजरल टेक्निक्स हैं उसको ध्यान में रखना आपको। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यही वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे कि दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। दैट मीन्स आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ये है d ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 का डिफरेंशिएशन। अब बताइए 100 का डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 होगा, दैट्स व्हाई इट विल कम आउट 0। बात खत्म हो गई। अब आप यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, सबसे पहले यहां पे तीन है अलग अलग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप सम रूल लगा दीजिए और इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू द सम रूल प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब बाकी आप RHS तो 0 होना ही होना है, वो तो पहले से ही है, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब एक एक करके तीनों को डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो बताइए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब तो याद हो गया होगा आपको, x रेस्ट टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, n x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। उसी फॉर्मूले के हिसाब से x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन 2x लिख दिया गया। अब x into y को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे थोड़ा सा सोचना है आपको, x into y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे x और y आपस में प्रोडक्ट में हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल में बताइए, इसमें से एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, मतलब एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जिसको पहले आपने डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर रखिएगा,
और जिसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, यही है, तो वही वाली बात है। तो यही करा गया, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इट विल बी इक्वल टू वाई को बाहर रखा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस एक्स को बाहर रखा क्योंकि एक्स मैं डिफ्रेंशिएट कर चुका हूं, अब मैं एक्स को बाहर रखूंगा और वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स सिंपली। अब बताइए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन वन, फिर वही वाला फॉर्मूला एक्स रेस्ट टू द पावर एन वाला ही, एन एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, यहां पे एन की वैल्यू वन है, तो वैसे भी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन होता है, तो अब ध्यान में ही आ गया होगा आपको, राइट। तो ये हो गया आपका एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन वन, तो ये पूरा कितना बन जाएगा वाई, फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका ये, तो इसकी जगह पे ये हमने प्लेस कर दिया, प्लस अब आएगा, अब वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बट y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में dy by dx भी लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 2y dy by dx। वैसे मैंने ये अलग से लिख भी रखा है कि y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy 2y dy by dx, ये लिख दिया, अब तो हो गया आपका, अब बड़ी बात थोड़ी है, अब सिंपलीफाई करना है, 2x plus y को आप RHS ले जाइए, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में 2x plus y, LHS में क्या रहेगा, dy by dx बाहर करेंगे तो x plus 2y into dy by dx, x plus 2y bracket में into dy by dx, hence dy by dx will be equal to how much, minus of y plus 2x divided by x plus 2y, बहुत ही आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे implicit function को differentiate करेंगे, right? तो मैंने आपको implicit function का कैसे differentiation होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। अब कई सारे आप के पास एनसीईआरटी या जो भी डिफरेंट बुक्स आपके बोर्ड के पेपर में लगने वाले हैं या क्लास ट्वेल्थ के हैं, उनको आप लीजिए, उसके एक्सरसाइज को वर्कआउट कीजिए। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन का जो है अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर, राइट, ताकि आपको और अच्छे से इसके ऊपर कमांड हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें कि फर्दर जो है इसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि भाई कि वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इस चैनल के बारे में जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में को बताइए, अपने रिलेटिव को बताइए, ताकि उनके पास हमारी बात पहुंच सके और वो भी हमारे काम से लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने पिछले सेशन में इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर बात करा था कि भाई कि अप्रोच समझ लिया था, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि और भी हमारे को इन डेप्थ कॉन्सेप्ट जो है इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के ऊपर हो जाए, राइट। तो इसके ऊपर बात करते हैं, राइट। तो देखिए अब आप यहां पर साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको हमें इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, राइट। तो सबसे पहला अप्रोच किया था, दोनों साइड ऑफ डी बाई डी एक्स आप लिख दीजिएगा, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप में डी ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू के का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बताइए के का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। तो इस तरह से यहां पे RHS में जो k है उसकी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो हो गई। नाउ चूंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में LHS में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, और चूंकि दो फंक्शन यहां पे सम में है, तो अकॉर्डिंग टू द सम रूल व्हाट वी कैन राइट डाउन, हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से लिख दिया हमने, राइट। अब एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइन स्क्वायर वाई को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, क्योंकि यहां पे चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। तो अब साइन स्क्वायर वाई को जस्ट आप भूल जाइए अभी, तो उसे डिफरेंशिएट करना एक्स के रिस्पेक्ट में, पहले आप जस्ट सोचिए साइन स्क्वायर एक्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन स्क्वायर एक्स यहां पे कैस की तरह ट्रीट करा जाएगा, एक्स स्क्वायर की तरह, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 साइन एक्स।
क्योंकि आप साइन एक्स का होल स्क्वायर ले लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर नहीं, साइन एक्स ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब साइन एक्स आपका एक तरह से एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। फिर लास्ट में एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा जो कि 1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। लेकिन यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यहां पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, लेकिन यहां पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या डिफरेंशिएट करना है, यहां पे साइन स्क्वायर वाई, ये वाली बात है। तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, तो साइन स्क्वायर वाई को सबसे पहले सोचिएगा साइन वाई का होल स्क्वायर, साइन वाई ब्रैकेट में डालिए फिर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2 साइन वाई कॉस वाई, बट लास्ट में y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे dy / dx साथ में लग जाएगा। तो इस तरह से sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन हो गया 2 sin y cos y into dy / dx। किस कॉन्सेप्ट का यूज किया मैंने, चेन रूल का, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के आपको काम करना है। तो वही वाली बात है कि sin स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन 2 sin y cos y dy / dx, राइट। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी। पहले जस्ट आप साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए जैसे करते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर वाई ले लीजिए। लास्ट में साइन स्क्वायर एक्स में ये होता था कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता था, यहां पे वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डीवाई बाई डीएक्स साथ में आ जाएगा। अब जैसा कि पता है यहां पे कि प्लस है, तो अब प्लस यहां पे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसको, कॉस ऑफ एक्स वाई को। अब बिल्कुल वही वाली बात, फिर से चेन रूल, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए माइनस साइन एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। फिर आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, एक्स वाई को, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यही बात लिखी गई है यहां पे कि कॉस ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स वाई, फिर हम लोग एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि माइनस इसलिए आया यहां पे, प्लस इनटू माइनस विल गिव माइनस। अब हमारा मेन पर्पस है इसको डिफरेंशिएट करना, जो कि ऑब्वियस सी बात है यहां पे प्रोडक्ट लगा के करेंगे आप। एक्स को हमने डिफरेंशिएट करना है वाई को बाहर रख के, तो वाई को बाहर रखा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्लस अब x को बाहर रखिए y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो सिंपली dy / dx, कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहां पे x y का डिफरेंशिएशन इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, राइट, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। अब देखिए 2 sin y cos y को आप लिख सकते हैं sin 2y, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो इट विल बी sin 2y dy / dx, माइनस आ जाएगा sin x y, और इसका डिफरेंशिएशन अभी हमने डिस्कस किया, ये हो गया। अब तो आपके पास काम हो चुका है, कोई बड़ी बात अब नहीं रही। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये y रह जाएगा प्लस x dy / dx। अब dy / dx वाले टर्म को इकट्ठा कर लीजिए एक साथ, बाकी को एक साथ ले लीजिए और उसे dy / dx निकाल लीजिए। मतलब क्या हो गया, देखिए sin 2y dy / dx माइनस y into sin xy, तो y into sin xy, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर माइनस इंटू प्लस विल गिव माइनस, क्या आएगा, साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स, तो आ जाएगा एक्स साइन एक्स वाई डीवाई बाई डी एक्स। अब ये वाले टर्म को इकट्ठा कीजिए तो क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स यहां आएगा, साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये लिख दिया गया है, वाई साइन एक्स वाई माइनस में आर एच एस में गया, तो वाई साइन एक्स वाई हो गया, हेंस डीवाई बाई डी एक्स विल बी सिंपली वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। बहुत आसान, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अप्रोच के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया है। वही आपका है डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे इसे सॉल्व किया है, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने डिस्कस करा है, और मैं समझता हूं कि आप डेफिनेटली अब तक लाइक कर चुके होंगे, नहीं कराए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ में अच्छे कमेंट्स लिखिए ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले। और यदि कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो रिक्वायरमेंट आपकी जो है जल्दी से जल्दी आपकी पूरी करी जा सके। एंड लोगों को बता दीजिए
आपको तो पता चली गया है, तभी तो देख रहे हैं आप। तो लोगों को बताइए चैनल के बारे में, और सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं कराए तो कीजिए आप। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका यहाँ पे, और मोस्ट ऑफ द बोर्ड के पेपर में जो है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या कोई और बोर्ड हो, वहां पे इसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहता ही रहता है आपके बोर्ड के पेपर में, और कई जगह पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आ जाता है, राइट। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के समझने के पहले, और होता क्या है और क्या अप्रोच रहेगा, उसके पहले लॉग की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो मैं एक जगह लिख भी दिया हूं, कुछ प्रॉपर्टी लिखा हूं, सारी नहीं लिखा हूं, कुछ प्रॉपर्टी लिखा हूं अभी। पहली प्रॉपर्टी देखिए, लॉग एक्स वन इंटू एक्स टू, यहां पर बेस कुछ भी हो सकता है, ई टू टेन डिफाइन होनी चाहिए बस, जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो लॉग एक्स वन एक्स टू, अभी जब तक कि बोल नहीं रहा हूं ना, हर जगह पे बेस आप ई ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि बेस ई होने पे ये वैलिड होगा, हो सकता है बेस 10 हो तब भी ये आप लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमारे लिए हर जगह पे एक तरह से बेस ई है, राइट, जिसको हम ln x भी बोलते हैं, log x को ln x भी बोलते हैं। तो log x1 x2 will be equal to log x1 plus log x2, इसी तरह से आप log x1 into x2 into x3 को लिख सकते हैं, log x1 plus log x2 plus log x3, ये बस ध्यान बनाना चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए लॉगरिथमिक फंक्शन की जो आपकी जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर आपके दिमाग में होनी चाहिए, राइट, वो अंडरस्टूड है यहाँ पे। उसी तरह से log of x1 by x2, तो हो जाता है log x1 minus log x2, ये अगली प्रॉपर्टी है। अब इन दो प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे एक देखिए log x1 x2 डिवाइड बाय x3, इसका हमें लिखना है, तो आप सबसे पहले इसका लिखिएगा log x1 x2 एक साथ माइनस log x3, अब फिर log x1 into x2 के लिए ये पहला वाला प्रॉपर्टी लगा दीजिए, जो कि क्या होगा log x1 plus log x2। तो इस तरीके से इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, log x1 plus log x2 minus log x3। उसी तरह से आप बताइए log x1 x2 डिवाइड बाय x3 x4, बताइए क्या होगा, सोचिए आप, log x1 plus log x2 minus log x3 minus log x4। तो ये आपको हैबिट पड़ जानी चाहिए इसकी, क्योंकि बार बार यूज होना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये वाली प्रॉपर्टी। अगला एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि log x, x के ऊपर ये पावर a है, तो ये एक्चुअली लिखा जाता है a log x। ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव करी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसके ऊपर अभी बिल्कुल नहीं जा रहा हूं, अभी जस्ट हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज होएगा, और यहां पे ये प्रॉपर्टी बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। तो अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में समझ पाएंगे कि आखिर हो अप्रोच क्या बनेगा। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखिए प्रॉब्लम क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। हालांकि इस प्रॉब्लम को मैं बिना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द चेन रूल, एंड बाद में आपका जो है प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल जो लगना है वो लग जाएगा, बट वो काफी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, राइट। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी जाए तो इसकी डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, वाई इक्वल टू इतना दे रखा है, तो टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस ई, ये हमारे माइंड में है। अब बेस आप कोई भी लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे हर जगह पे बेस ई लेके काम कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमें पता है कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेस ई के साथ 1 बाय एक्स होता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो बेस ई के साथ ले लिया, अब बेस हम लोग लिख नहीं रहे, तो लॉग वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव रेस्ट टू द पावर हाफ, क्योंकि आपको पता ही कि स्क्वायर रूट के ऊपर ये, जब स्क्वायर रूट की जगह पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, मतलब x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बाय एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव रेस टू द पावर हाफ, ये चीज लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, बहुत ही बेसिक बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, log x रेस टू द पावर, log ऑफ x रेस टू द पावर a, तो लिखा जाता है a log x, तो ये जो पावर हाफ है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यूजिंग दिस प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन राइट ऑन, लॉग y विल बी इक्वल टू 1 बाय 2
log of x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. अब ये प्रॉपर्टी log की आप लगा दीजिए जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. जैसे ये एक तरह से log of x1 x2 divided by x3 x4 x5. यदि मैं इसको लिखूंगा कैसे, log x1 plus log x2 minus log x3 minus log x4 minus log x5, तो वही प्रॉपर्टी यूज करके इसको आप इस तरह से लिख दीजिएगा. ये 1 by 2 तो रहेगा ही, ब्रैकेट में क्या आएगा, log of x minus 1 plus log of x minus 2 minus log x minus 3 minus log x minus 4 minus log x minus 5. using these two property आप ये काम कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी की मेन एप्लीकेशन इस जगह पे हुई है, ये वाले की, खासकर ये ध्यान रखना है आपको, राइट. और ये वाले की जगह पे ये जो प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है, हाफ जो पावर में था इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया. तो आपने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया. अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो जाएगा. कैसे, देखिए, अब डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, लॉग वाई का 1 बाय वाई, फिर y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स लग गया. इट विल बी इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर रहेगा, log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1. फिर x माइनस 1 को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन सिंपली 0. तो log ऑफ x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 1, log ऑफ x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 2, log ऑफ x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 3, log ऑफ x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 4, log ऑफ x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 5. तो इस तरीके से लिख दिया गया. हेंस dy / dx क्या हो जाएगा, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dy / dx हो गया y / 2 into this one. अब y की जगह पे आप ये लिख दीजिए लास्ट में, मैंने लिखा नहीं है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, यहां पे लिख सकते हैं where y equal to this one root over x minus 1 into x minus 2 divided by x minus 3 into x minus 4 into x minus 5. तो ये प्रोसीजर रहता है यहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का. मैंने वन ऑफ द एग्जांपल लेके आपको समझाया है, ऐसे कई प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कि इस तरह के रहेंगे. तो सिमिलर अप्रोच लगाएंगे आप, दोनों साइड लॉग लीजिए, लॉग लेने के बाद फिर डिफरेंशिएट कीजिए. लॉग लेने के बाद जो प्रॉपर्टी लॉग की लगनी है उसको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना है, राइट. तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं अगले सेशन में, ताकि आपको और बेटर वे में लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर जो उसके डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन वो, और या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहते हैं उसको, और बेटर वे में आप समझ सकें, राइट. तो अब तक तो लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया कीजिए जल्दी से, और साथ में कमेंट भी लिख दीजिए, अच्छे कमेंट लिखना, ताकि मेरे को और मतलब अच्छा लगेगा और मैं और मोटिवेट होकर काम आपके लिए करूंगा, राइट. एंड लोगों को बताया होगा आपने, कई लोगों को बताया नहीं आपने, बताइए फिर आप, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब कर लीजिए आपके बेनिफिट के लिए, राइट. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच. अब हम लोग इस सेशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर एक अच्छा कमांड हो जाए. पिछले सेशन में तो हमने समझ ही लिया था कि किस तरीके से अप्रोच बनेगा, तो देखते हैं अब इस सेशन के प्रॉब्लम को. और जैसा कि मैंने कह दिया कि भाई कि आपको बेसिक प्रॉपर्टी लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको पता होना चाहिए, और जो कि पिछले सेशन में ही बताया गया था, इस सेशन में फिर से मैं एक बार डिस्कस कर देता हूं. log x1 into x2, ये होता है log x1 plus log x2, log x1 divided by x2, log x1 by x2, log x1 minus log x2. अब इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके काफी सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो एक तो ये ध्यान में रखना है. दूसरा एक और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो जो बार बार यूज होएगा वो ये है कि log of x raised to the power a will be written as a log x, राइट. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसको आपको ध्यान में रखना है. अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि y इक्वल टू log x रेस्ट टू द पावर cos x, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है. तो अप्रोच देखिए, सबसे पहले बोथ साइड आप log ले लीजिए, दैट मीन्स टेक द log बोथ साइड विथ बेस e, अंडरस्टूड है. तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा log y विल बी इक्वल टू log ऑफ log x रेस्ट टू द पावर cos x. ये पॉइंट है यहां पे. अब देखिए यहां पे, अब सोचिए कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ये वाली आपका log x रेस्ट टू द पावर cos x है, तो ये जो पावर में है वो यहां आ जाएगा. तो ये आपका लिखा जा सकता है cos x into log of log x,
राइट, बहुत आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल बी इक्वल टू लॉग वाई, आ गया अभी इतना। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग द चेन रूल, तो यही वाली बात है, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया कि लॉग ऑफ लॉग एक्स को बाहर रखिए, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस कॉस एक्स को बाहर रखा, अब लॉग ऑफ लॉग एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए। अब log of log x आ गया, cos x का differentiation minus sin x, तो इसका हो गया minus sin x, तो minus sin x into this one will give minus of log log x into sin x, फिर plus है तो यहाँ plus आ गया, cos x रहेगा। अब log of log x को differentiate कीजिए, तो log of log x कैसे differentiate होगा, सर जस्ट आप समझिए कि log x आपके दिमाग में x है, तो log x का differentiation 1 by x होता है, तो 1 upon log x, फिर log x को डिफरेंशिएट कीजिएगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 by x, अब फिर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, that's why the differentiation of this one will be 1 upon log x into 1 by x, right? तो इस तरीके से यहां पे डिफरेंशिएट किया जाएगा आपका, और 1 upon y dy by dx will be equal to this one, hence dy by dx के लिए क्या करेंगे, y इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो dy by dx will be equal to y into this one, और इस तरीके से काम हो जाएगा। y की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहां बाद में आप प्लेस भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, या लिख सकते हैं कि वेर y इक्वल टू log x रेस टू द पावर cos x। तो इस तरीके से हमने आपके सामने एक और प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस किया है, जो कि आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के को आपको बताया जा रहा है कि भाई इस तरीके से यहां पर डिफरेंशिएट किया जाएगा यहां पर। तो ये है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अप्रोच वही है, टेक लॉग बोथ साइड एंड देन अप्लाई सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जो भी प्रॉपर्टी वहां पे लॉग की यूज हो रही है, अब इसके बाद दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, और अगले सेशन में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको और किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई की लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो अब आपके पास जो भी बुक है, एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिए, या जो भी बुक्स अवेलेबल है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, और तब जाकर के आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बेटर एंड बेटर कमांड बनेगा, राइट। तो लाइक कर दिया होगा आप तक, आपने नहीं कराया तो कर दीजिए लाइक, और सब्सक्राइब कराए चैनल को, नहीं करा कर लीजिए, और साथ में आपने कमेंट्स आपको लिखना चाहिए, कमेंट्स लिखना है ताकि, और अच्छे कमेंट्स लिखने हैं, और लोगों को बताना है आपको हमारे बारे में, जितना ज्यादा हो सके आप हमारे बारे में बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा काम पहुंच सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। मैं उसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी ट्रिकी भी है, राइट। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि दे रखा है प्रॉब्लम में x रेस टू द पावर p इंटू y रेस टू द पावर q इक्वल टू x प्लस y रेस टू द पावर p प्लस q। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो dy by dx है वो y by x के इक्वल होगा, और सेकंड डेरिवेटिव दैट मींस d2y by dx टू जीरो के इक्वल होगा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा रहता है और डिफरेंशिएट करना पड़े तो हमें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ता है, और क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड लॉग ले लीजिए, जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये आपका आ गया। अब लॉग की फर्दर प्रॉपर्टी, लॉग एक्स रेस टू द पावर पी इंटू वाई रेस टू द पावर क्यू, इट विल बी रिटन एज लॉग एक्स रेस टू द पावर पी प्लस लॉग y रेस टू द पावर q, राइट, ये लिख देंगे हम लोग। तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इसको लिख दिया, और फर्दर लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि यदि ये पावर होता है तो आपका यहां पे आ जाता है। लॉग की एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं आप, तो ये जो लिखा जाएगा p प्लस q log x प्लस y, तो ये हमने लिख दिया।
और ये अभी कुछ देर पहले कहा ही कि कैसे आएगा, ये डिस्कस हो गया था अभी भी, यहाँ पे पावर में तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना p log x, ये हो जाएगा q log y, तो p log x plus q log y equal to p plus q log x plus y। बहुत ही आसान तरीके से log की प्रॉपर्टी लगा करके आप ये लेके आएंगे सबसे पहला काम। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां पे जहां डिफ्रेंशिएशन शुरू कर दी ना पहले ही, तब तो फिर हो तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, बहुत ही लेंदी अप्रोच पड़ेगा। अब p log x को प्लस q log y इक्वल टू p प्लस q log x प्लस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए p कैसा क्वांटिटी, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1 by x, राइट, फिर प्लस q कांस्टेंट है, बाहर आएगा। log y का डिफ्रेंशिएशन 1 by y, और चूंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो साथ में dy by dx भी आएगा। इट विल बी इक्वल टू p प्लस q कांस्टेंट है, बाहर रहा। log x plus y का डिफरेंशिएशन 1 upon x plus y, फिर आप x plus y को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा करके, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 plus y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy by dx। इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जो मैंने अभी डिस्कस किया वही है, p log x का डिफरेंशिएशन p by x plus q by y dy by dx equal to p plus q constant है, बाहर आया। log x plus y का differentiation 1 upon x plus y, ये आया, और फिर x plus y का differentiation 1 plus dy by dx। अब थोड़ा सा इसको simplify कीजिए, इसको मैंने break कर दिया है, p plus q by x plus y को 1 से multiply किया, ये आया, फिर इसको इससे multiply किया, ये आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि dy by dx एक तरफ आ जाए, एक साइड में आ जाए, तो ये हमने कर दिया। अब इसको आप एक LHS में लेके जाइए और इसको आप RHS में लेके जाइए, जब ये करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो आपका आएगा Q डिवाइड बाय Y, जो कि ये है dy by dx, माइनस ये LHS में आने की वजह से P plus Q by X plus Y into dy by dx will be equal to P plus Q by X plus Y माइनस, माइनस क्यों आया, माइनस py, क्योंकि ये आपने RHS में लेके गए तो ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करना है केवल, यहां से dy by dx कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा। ये तो खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। और ये xp है, ये px से कैंसिल आउट हो गया जी, तो यहां आ जाएगा xq minus py divided by x plus y into x। इसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q into x plus y, q को x plus y से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस p plus q को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, और नीचे आएगा y into x plus y, फिर इसमें qy कैंसल आउट हो जाएगा, अब करा जाएगा qx minus py, और इधर भी qx minus py है, दोनों साइड ही है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कैंसल आउट, qx minus py xq कहीं या qx minus py कहीं, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, x plus y कैंसल आउट हो गया, dy by dx value y by x आ गई। बहुत आसान, तो पहला वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो dy by dx y by x, इसका मतलब y डैश y by x के इक्वल आ गया, तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब हम लोग सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे कि ये जो y डबल डैश है वो जीरो के इक्वल होगा। अब यहां पे हल्का सा ट्रिकी पॉइंट है जो ध्यान में रखना है, y डैश इक्वल टू y by x है, तो x into y डैश इक्वल टू y, जब ये करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। तो x into y dash equal to y, differentiate both side once again with respect to x, इधर वाला differentiation product rule से होगा, x को बाहर रखा गया और y dash का फिर से x के respect differentiation, मतलब y double dash d2y by dx2, फिर plus product rule में जैसा होता है y dash को बाहर रखेंगे और x को x के respect differentiate करेंगे तो 1, x को x के respect differentiate करेंगे तो 1, तो y dash into 1 आ गया। अब इधर का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन सिंपली y डैश, राइट, ये चीज y डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x y डबल डैश इक्वल टू 0, y डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव d2y / dx2, x तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन 0 होगा, d2y / dx2 तो 0 होगा, d2y / dx2 तो 0 होगा, x तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब y डबल डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा प्रॉब्लम है, अप्रोच को ध्यान में रखना, ट्रिकी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, यदि ऐसा प्रॉब्लम बोर्ड के पेपर में आ जाए तो
आपने पहले से नहीं कर रखा है, कभी देखा नहीं ऐसे प्रॉब्लम को, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है। वैसे ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया है, अब आगे सेशन में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। तब तक के लिए अलविदा, आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताना ना भूलें, बताइए जरूर से लोगों को, ताकि हमारे चैनल के बारे में और हमारे काम के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके, और वो आप ही हैं जो पहुंचाएंगे। राइट, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अब हम लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू x log x by a plus bx ये दे रखा है, अब प्रूव ये करना है। x cube d2y by dx2 will be equal to x dy by dx minus y का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। अब जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, जो प्रूव करना है ना, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उसको बिना नजर डाले आप प्रूफ करते चले जाए तो प्रॉब्लम तो होना ही नहीं, ये बात तो पक्का है। आपको ये प्रूफ करना है, राइट? तो मुझे किसी तरीके से x dy by dx minus y लाना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कैसे करेंगे। ऑब्वियस बात है, पहला तो स्टेप यही कि dy by dx लेना। तो सबसे पहले dy by dx, बट dy by dx क्या इसका ले? फिर गलती हो जाएगी, गलती का मतलब है कि टीडियस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स में इसको थोड़ा सा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हैं, log x माइनस log a प्लस बी एक्स, वही लिख दी गई है। ऐसा करने से डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट? तो y इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, x इंटू log x माइनस log a प्लस बी एक्स, नॉट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx, अब इसमें आप क्या लगाएंगे, अब इसके लिए आप लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो 1 आ गया जी, इनटू ये वैसे ही रह जाएगा। अब x को बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x माइनस log a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस bx। फिर a प्लस बी एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका डिफरेंशिएशन 0, b बाहर आएगा, और x का रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1, तो ये b आ गया। तो इस तरीके से dy by dx ही आपका आ गया, बहुत ही आसान है। अब इसको देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब देखिए log x माइनस log a प्लस बी एक्स को लिखिएगा log x अपॉन a प्लस बी एक्स। लिखने का ये पर्पस है कि किसी तरीके से मेरे को एक्स वाई डैश माइनस वाई लेके मैं आना चाहता हूं, इसलिए तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई खुद करना, आप एक्स बाहर है, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन a प्लस bx इंटू बी। इसको जब पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा a अपॉन a प्लस bx। जरूर से खुद कर लेना। अब देखिए यहां पे y डैश इक्वल टू इतना आ गया जी, हमें चाहिए x into y dash is dy by dx, मुझे x into dy by dx, तो बहुत जरूरी कि y dash को मैं x से मल्टीप्लाई करूं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, तो x y dash इक्वल टू x into this much plus ax upon a plus bx, ये आ गया। अब देखिए ध्यान से, ये y ही तो है, आ गया वही x y dash minus y, आया नहीं आया बताइए, आ रहा है। तो x log x upon a plus bx किसके इक्वल आ गया, y के। इसका तो एक्स वाई डैश विल बी इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स बाई ए प्लस बी एक्स, पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है। तो एक्स वाई डैश माइनस वाई, इस वाई को इस साइड ले जाएंगे, विल बी इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया। अब ऑब्वियस बात है, सेकंड डेरिवेटिव लेनी पड़ेगी, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड 1 सेकंड बाय एक्स। तो एक्स इंटू वाई डैश को डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, x बाहर रहेगा, y डैश का डबल डेरिवेटिव y डबल डैश d2y by dx2, फिर प्रोडक्ट रूल के हिसाब से प्लस आएगा,
फिर आप क्या करेंगे, y डैश को बाहर रखेंगे और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, इसलिए केवल y डैश आया। फिर माइनस y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में y डैश ही dy / dx, y डैश खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, अब इस साइड को भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ये आ गया, जो खुद सोच सकते हैं आप। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, तो ए बी एक्स कैंसिल आउट हो गया, केवल ये क्या रह जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, एक्स वाई डबल डैश, एक्स वाई डबल डैश, क्योंकि वाई डैश माइनस वाई डैश खत्म हो जाएगा, तो एक्स वाई डबल डैश मतलब एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन चाहिए आपको एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, आपके दिमाग में आएगा कैसे जी, तो x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ चुका है, तो x क्यूब लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आ गया x क्यूब y डबल डैश विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। नजर डालिए इसमें, ये वही है जो ये है, दोनों साइड यदि स्क्वायर कर देते तो यही तो आ जाएगा, इसका इसकी वैल्यू जो होगी एक्स वाई डैश माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गई, आ तो क्या आपका, कौन सी बड़ी बात, आ गया बड़े आसानी से आ गए, तो इसका मतलब हो गया कि एक्स क्यूब वाई डबल डैश मतलब एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू विल बी इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। हेंस प्रूफ, अच्छा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने डिस्कस करा है कि कहीं ये बोर्ड के पेपर में आ गया तो सही मायने में हॉर्स लेवल का हो जाएगा, इतना आसान नहीं है इसे प्रूव करना यदि आप जनरल तरीके से चलते रहेंगे तो, राइट। तो अप्रोच को ध्यान में रखना, पॉसिबिलिटी कि कहीं बोर्ड के पेपर में हॉट्स के प्रॉब्लम में ना आ जाए, राइट। वीडियो को जरूर आप लाइक कर देना भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दूसरों को चैनल के बारे में जरूर बताना ताकि हमारा काम उन तक पहुंच सके, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सीबीएसई के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये दे रखा है प्रॉब्लम में। प्रूफ करना है आपको x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल टू 0। अब पॉइंट आता है कि प्रूफ कैसे करेंगे, काफी कॉमन सा प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम जनरली एक आ ही जाते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले इसको आप लिख दीजिएगा जैसे दिया गया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, थ्री कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बाहर रहेगा, कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये आ गया आपका। फिर प्लस 4 बाहर रहेगा, साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये आ गया आपका। 1 बाई एक्स को मैं बाहर ले सकता हूं, यदि 1 बाई एक्स को बाहर ले लूंगा तो जाके फिर उस एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यदि हम लोग ऐसा करें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। ऐसा क्यों किया गया, ये इसलिए करा गया ताकि मैं आसानी से डबल डेरिवेटिव ले सकूं, मैं यहां पे भी डिफरेंशिएट कर सकता था, डबल डेरिवेटिव ले सकता था, लेकिन वो टीडियस प्रोसेस हो जाएगा थोड़ा, फिर तो मुझे एक डिवीजन रूल पे जाना पड़ेगा। उसके बजाय हम लोग ऐसा करते हैं कि एक्स जो इधर वाला है 1 बाय एक्स, उसको मैं एलएचएस ले जाता हूं, तो मेरे पास ये आ गया। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, जब भी आपको प्रूफ करना होता है ना, तो जो प्रूफ करना है उसके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए एक्स डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है यहां पे, तो मेरे पास तो आ गया ना एक्स डीवाई बाई डी एक्स। अब यदि ऐसी बात है तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वंस अगेन। अब इसको डिफरेंशिएट करते हुए मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, एक्स को बाहर रखा, डीवाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वंस अगेन लेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इट विल कम आउट डी टू वाई बाई डी एक्स टू, देखिए आ रहा है बिल्कुल। फिर प्लस, जैसा कि प्रोडक्ट रूल में होता है, डी वाई बाई डी एक्स को बाहर रखा गया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 है, राइट। अब हम लोग आर एच एस को डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे करा था अभी, माइनस 3 बाहर रहा,
साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस, बट माइनस क्यों होगा, प्लस है कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, फोर्थ तो बाहर रहेगा, अब कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, इसलिए यहां माइनस आया, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, तो ये आ गया, माइनस 1 बाय एक्स को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा आपका, दिख ही रहा आपको, जब ये माइनस 1 बाय एक्स कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाई रह जाएगा, ये वाई के इक्वल हो गया, इसका मतलब माइनस 1 बाय एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू दिस वन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, चाहे इस एक्स को आप एलएचएस में ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, क्योंकि जब इसको एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, माइनस वाई को आप एलएचएस में लेके जाएंगे, हेंस प्रूफ्ड, आसान सा प्रॉब्लम है, राइट। तो देखिए जब भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो कई दफे क्या होता है, स्टूडेंट्स काफी लेंदी अप्रोच से प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बताता हूं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे जी, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे जी, फिर LHS में प्लेस करेंगे और LHS को प्रूव करेंगे जीरो को इक्वल जो कि RHS है, ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, यदि आप ऐसे प्रोसेस में चले गए तो आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो 5-6 मिनट में हो जाएगा उसके बजाय हो सकता है 10-12 मिनट लग जाए आपका, और हो सकता है कि कैलकुलेशन इतनी टीडियस और कॉम्प्लेक्स हो जाए कि प्रूफ भी ना हो पाए, तो आपको जो प्रूफ करना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपको चलना है प्रॉब्लम में, ये प्रूफ करना है उसी के हिसाब से आप अपना प्रोसीजर और अपना जो है मेथडोलॉजी डेवलप करेंगे ताकि आपके लिए प्रूफ करना आसान हो जाए, राइट। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं तो मेरे ख्याल से आपके पास वो मैसेज पहुंच रहा होगा, उसका ध्यान में रखना है आपको, तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, फिर से कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना आप, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब नहीं कराए तो कर देना आप, और लोगों को जरूर से हमारे बारे में बताना। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए, जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे, ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का, इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए, लाइक जैसे देखिए आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर जेई जेई के लिए, देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेई मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कट दिए गए हैं, फिर जेई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, नीट अ पीएमटी की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है तो उसको आप देख सकते हैं, फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है, मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं, इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं, फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, फिर क्लास टेंथ का है कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है, इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।